रही थी दीदी, मैं इतनी जोर से डर गई कुछ कहने का। रोजा कैसा चल रहा है? गली में कुत्ते तक नहीं है यार। दोनों है ना, ऐसे क्यों बोल रही है? जीवन उसका पानी है, कितना प्यारा लग रहा है। तब से चल ही रहा है और मिलने का नाम नहीं ले रहा है। शायद अब यही पता ही नहीं चलता कि किधर जाना है। सारा रोड एक ही जैसे, मिनट का रास्ता बचा हुआ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज के दिन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। और ब्लॉग में बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आज के इस ब्लॉग में। तो अभी जाते हैं पहले स्टडी करने के लिए, पढ़ के उठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ तो गाइस, हम लोग नहा वहा लिए हैं और अभी बज रहे हैं 12:00 और अभी लंच करने वाले हैं। कटहल की सब्जी और चावल। कटहल में आलू आज नहीं दिया गया और आलू के बिना मेरा मन नहीं लगता। हाँ, इसलिए इसको पहले ही बोल दिया कि आलू नहीं डाले हैं। ऐसे ही ज्यादा कटहल चढ़ गया था, एक पौवा लिए थे ना तो उसमें, इसलिए ज्यादा मतलब ज्यादा दे दिया, पता नहीं क्यों। मतलब और भी देता है इतना। शकल देखा, शकल तो रोज दिखता है। कोई बात नहीं, मेहरबान हो गया होगा। हाँ, तो कटहल की सब्जी और चावल खाते हैं और फिर निकलना है कहीं और। तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग होने वाली है। रेडी हो चुके हैं, अब निकलने वाले हैं जस्ट। और रचना भी रेडी हो गई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, इसका हेयर स्टाइल देखिए ना, फिर से प्राची बनाती, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको पता नहीं कौन सा चोटी बोलते हैं, कौन सा चोटी बोलते हैं, सागर चोटी। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, ब्लॉग में बनी। रचना राइट जाना है या लेफ्ट? अभी इससे आगे वाला गली है क्या? हाँ, इससे आगे वाला है। पता है गाइस, जब जब आते हैं ना बोरिंग रोड में, ऐसे ही गुम होते जाते हैं, गुम होते जाते, पता ही नहीं चलता कि किधर जाना है। सारा रोड एक ही जैसे, 6 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। हाँ, 6 मिनट का बचा हुआ है। और वो भी पता है क्यों क्यों आए? हॉस्टल खोजने के चक्कर में। और हॉस्टल वाली वीडियो में बहुत मेहनत है यार, इस धूप में, कड़कड़ाती हुई धूप में। सर दर्द मेरा भी कर रहा है, मेरा भी कर रहा है। और लोगों को लगता है कि बहुत इजी है वीडियो बनाना, नहीं भाई, बहुत हार्ड। इससे अच्छा तो रूम में बैठ के पढ़ते। इतनी मेहनत से पता है क्या हाल अभी हो चुकी हम दोनों की। एक गली में गए, पूरा कितना लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले गए ना। सारा गली एक ही जैसा लग रहा था ना, तो किसी में घुसे और याद नहीं था। आज रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं कि इस गली में फिर से आना हो। कौन सा गली था? ये था क्या? ये वाला नहीं, लिखा हुआ होगा, लिखा ये भी नहीं है शायद, लिखा हुआ होगा। नहीं यार, ये भी नहीं है, रुको पूछने दो किसी से। तब से चल ही रहे हैं और मिलने का नाम नहीं ले रहा है। शायद अब यही गली है शायद, और उधर से राइट मोड़ना है और आ जाएगा आई थिंक। चप्पल टूट गया था चलते चलते रचना का, और दुकान पे आके और फेविक्विक से चिपकाई है अभी। अब फिर से चलना स्टार्ट करेंगे। हेलो पल्सर टूट गया और हमको मिला एक ट्रॉफी, जो कि उनके पास, भैया के पास चेंज नहीं था 1 रुपए का, तो हमको ट्रॉफी ही दे दिए दो गो। एक खा लिया, रचना तो खाती नहीं है। देख रहा है कि लग रहा है क्या कर रही है। हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं गाइस, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। रचना का हर बार ही यहाँ पे आने के साथ ही चप्पल टूट जाता है, पता नहीं पिछली बार भी टूटा था ना। ये रहा क्रिएटिव जीनियस गर्ल्स हॉस्टल, और इसी के लिए हम लोग इतना देर से परेशान हो रहे थे कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मिल ही नहीं रहा था। फाइनली मिल गया, तो अभी जाते हैं अंदर, थोड़ा सा रिलैक्स होएंगे, फिर वीडियो शूट होगा। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं और ऑनर का इंतज़ार हो रहा है। जब ऑनर आएंगे तो वीडियो शूट होगा, तब तक। और रचना का बैटरी, रचना का फ़ोन ऑफ होने वाला है अब, 5%, तो कोई कॉल मत करिएगा। हाँ, सब बिजनेस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत बैठे हुए हैं। तो आने देते हैं ऑनर को, फिर मिलते हैं। कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहे हैं ना। तो गाइस, अभी 1:30 बजने वाले हैं और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, वीडियो शूट ख़त्म, और कुछ देर जाके ऑफिस में बैठते हैं। माथा दर्द कर रहा है बहुत ज़ोरों की, पता नहीं क्यों, दूसरा धूप में आए इसलिए ना, बहुत सर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। तो कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यही ज़िंदगी हमारी। और ये ज़िंदगी शौक से जीना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, कभी कभी हम लोग भी कूल हो गए, इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालते हैं, हाँ तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है।
मेरी लाइफ मेरी लाइफ सब अभी आराम कर रहा है पता है। और हम लोग यहाँ पे पता है इस गली में कुत्ते भी नहीं है, नहीं इस गली में कुत्ते तक नहीं है यार। है ना, ऐसे क्यों बोल रही हो यार, हैं कुत्ते तो पालतू कुत्ते रत्ना कुत्ता है कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। तो चलिए चलते हैं, हम ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। हाँ तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं बॉयज हॉस्टल देखने के लिए, और रचना को कंफर्टेबल लगेगा तो वीडियो बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी। तो चलिए जाते हैं। गांव में ना इससे ज्यादा ठंडा रहता है यहाँ से। मैं खेत में तो गई हूं कभी? नहीं, खेत पे नहीं। हम लोग कभी नानी गांव भी उधर ही है, गांव भी उधर ही है। गाइज यहाँ पे आए हैं बॉयज हॉस्टल देखने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है बॉयज हॉस्टल, पहली बार देखे इतना ज्यादा अच्छा। कैसे चलिए, पहली बार बॉयज हॉस्टल में एंट्री करने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा रहा। गाइस यहाँ से नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। रचना यहाँ से नीचे वाला फोटो बहुत अच्छा लग ही रहा है, हॉस्टल ही बहुत अच्छा। वैसे देख सकते हो रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूम है यहाँ पे। अगर आप लोग भी रूम वगैरह लेना चाहते हो ना, तो यहाँ का मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा। बॉयज सब रहता है, थोड़ा सा मेसी मेसी सामान आपको लग रहा होगा, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हो यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए भी जगह दिया गया है, सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। सो जो भी होगा ना सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगी। हाँ बालकनी कहाँ पे, एक सेकेंड मैं आपको ना बालकनी दिखाती हूँ। हाँ देख सकते हो यहाँ सा। सो गैस आप देख सकते हो यहाँ से बालकनी का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वाह किधर गैस आप देख सकते हो, ये है ओवरऑल रूम, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। विंडो आपको मिल जाती है जिससे नेचुरल लाइट ना अच्छी खासी आ रही है सामान रखने के लिए। गाइस तो अभी हम लोग खाने वाले हैं पिज्जा, देख सकते हो। हाँ दीदी रोजा कैसा चल रहा है? और इन लोगों के सामने में हाय यही बेचारे अभी पिज्जा लाए हैं बाहर से, और ये हमारे ऑनर, कैसा लग रहा है? दो देर हम इंसान हमारे पास पिज्जा खा रहे हैं बैठ के। तो अब जा रहे हैं हॉस्टल, साढ़े तीन बज चुका है और थोड़ा रुक भी गए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और तब उनके ऑफिस में तो अच्छा लग रहा था, हाँ इसलिए बैठ गए थे, बहुत लोग थे ना तो अच्छा भी लग रहा था। बहुत सारी लड़की भी थी तो बात करते, ऑनर सब थी, सभी थे, कुछ ना कुछ कोई था, सब कोई था। और ये भैया का नेचर बहुत अच्छा है, देख सकते। अभी गाय आ रही थी दीदी मेरी, इतनी जोर से डर गई कुछ कहने का नहीं। ए बच्चा ए ए ए ए तुमको खाने के लिए नहीं मिलता है कुछ, क्या कर रहे हो ये? तो गाइस यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम लोग आ चुके थे, रेस्ट भी कर लिए और जल्दी जल्दी से वीडियो एडिट करना है क्योंकि डाले नहीं थे और कल वीडियो ब्लॉग नहीं गया था क्योंकि अभी ना कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा है, फिर पढ़ाई और ये वीडियो दोनों मिक्स हो रहा है, मतलब मेकअप ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ब्लॉग नहीं जाता है कभी कभी। तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। और रचना अभी मम्मी से बात कर रही है, भाई से बात कर रही है, तो बिजी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।